वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 5 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा गया है। बताते चले कि आपके वरिष्ठ नेता सिसोदिया को आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों में सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार किया था और जिसके बाद जांच एजेंसी उन्हें सोमवार को ही अदालत में पेश करते हुए 5 दिन के लिए रिमांड पर सौंपने का अनुरोध किया है। बताते चले कि सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए ही उनकी हिरासत में भेज दिया गया है और कोर्ट ने इसके साथ ही सीबीआई को इस अवधि के लिए कई निर्देश भी दिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से आप कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में जोरदार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और अरशद खान ने कहा है कि प्रधानमंत्री की तानाशाही चरम पर, लेकिन हम ना झुकेंगे ना डरेंगे बल्कि लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों और उसकी बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी भयभीत है। बताते चले कि सिसोदिया की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी ने लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया है। ज्ञापन का संदेश ये है कि जो मोदी योगी सरकार विपक्ष विहीन राजनीति करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं और जो भी अच्छा काम कर रहा है उसका उसे गलत तरीके से फंसा कर इस तरीके से जेल में बंद कर देना एक लोकतंत्र के खिलाफ बड़ी बात है। उनका जो दिन था वो देश के संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत ही काला दिन था, जबकि वो शिक्षा मंत्री देश का पहला जिसने लाखों बच्चों के भविष्य के लिए एक ऐसा शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत किया जिसकी पहचान पूरे विश्व में है, उसको फर्जी आधार पर, जबकि इतने दिनों से इतने राउंड की जाँच के बाद जब कुछ नहीं निकला और उसी समय जब एक अडानी जैसे उद्योगपति का जब काला चिट्ठा सामने आया और आम आदमी पार्टी ने और उस पर पुरजोर विरोध किया, उसकी जांच की मांग की। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर और बम बरसाकर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में ही बिजनौर के पाल समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की है। और बताते चले कि मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया है। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि सन 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हमला वरों द्वारा हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल द्वारा लगातार कोर्ट में गवाही जो है वो दी जा रही थी और इस दौरान उनके ऊपर कई तरह के हमले भी हुए, लेकिन वो इस मुकदमे से पीछे नहीं हटे और हाल ही में अपने गनर के साथ घर जाते हुए हमलावरों ने दिन दहाड़े गोली और बम बरसाकर उमेश पाल को भी मौत के घाट उतार दिया और इसमें कई माफियाओं के नाम भी उजागर हुए हैं। और वहीं उमेश पाल की हत्या के विरोध में समाज के लोगों ने ही मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट परिसर बिजनौर पहुंचकर सौंपा है और हत्यारों को फांसी दिए जाने की भी मांग की है। धनगर समाज का प्रदेश महासचिव रामगोपाल धनगर, हमें बड़ा ही दुख है और पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रयाग राज्य में बमों से और गोलियों से जो हत्या हुई है उमेश पाल की, 2005 में भी अतीक अहमद जो माफिया है उत्तर प्रदेश का जो जेल में है उसके गुर्गों ने दर्दनाक जो हादसा किया है प्रयागराज में, उसकी हमारा पाल समाज आज पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी हत्या की कड़ी निंदा करता है और सरकार से मांग करता है कि उनके हत्यारे को जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई कर कड़ी से कड़ी सजा दे और उनके परिवार को उमेश पाल के एक किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, ये हमारे पाल समाज की मांग है। पाल समाज। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। अलीगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है और गैंगस्टर भूपेंद्र सिंह की करीब 42 लाख से ज्यादा कीमत की संपत्ति को जब्तीकरण किया गया है। आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति को जब्त किया गया है। पूरा मामला आपको बता दें कि गांधी पार्क थाना इलाके के सिंधोली का है, जहाँ पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये 14(1) अधिनियम जो गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत होता है, इसके तहत इनकी लगभग 42,64,110 रुपए की जो संपत्ति है इनकी, जो सिंधौली गांधी पार्क में के रहने वाले हैं और जो इससे संबंधित गाटा संख्या है, उस संपत्ति को
आदेश अनुसार जिलाधिकारी सीज किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास रहा है और पिछले वर्ष इनका RTO पर हमलावर होने की भी शिकायतें आई थी जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। और सरकार की मंशा, शासन की मंशा, पुलिस मुख्यालय की मंशा अनुसार जितने भी आपराधिक किस्म के लोग हैं सबके विरुद्ध निरंतर इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगी। धन्यवाद। पीलीभीत के ही घुंघचाई थाना क्षेत्र के लुकटियाही ताटा में कूड़े के विवाद को लेकर आपस में दो पक्ष भिड़ गए हैं और बीच सड़क पर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लात घूसे भी चले हैं। मारपीट कर युवती के सर के बाल उखाड़ने का आरोप भी यहां पर लगाया गया है और ये मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीलीभीत में कोर्ट परिसर में पेशी के लिए लाया गया एक अभियुक्त शौचालय के बहाने पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और आरोपी की तलाश कर रहे हैं। दरअसल मामला बिसलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोबलपतिपुरा का बताया जा रहा है और इसके साथ ही आरोपी सचिन को पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में ही पेशी के लिए न्यायालय परिसर में लाया गया था और न्यायालय परिसर में पेशी से पहले ही पुलिस कर्मियों से शौचालय जाने की बात कही और शौचालय से ही दरवाजा बंद करके फरार हो गया। काफी देर तक जब अभियुक्त बाहर नहीं निकला तो पुलिस कर्मियों ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो सचिन गायब था और घटना के बाद पुलिसकर्मियों के हाथ पैर फूल गए हैं और पूरे मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई है और पेशी से पहले अभियुक्त के फरार होने की सूचना से अब हड़कंप मचा हुआ है। जारी पुलिस दिख रही है, क्या घटना घटी है यहाँ? अभी हम लोगों की मॉनिटरिंग सेल की बैठक जिला जज साहब के साथ चल रही थी। मीटिंग समाप्त होने के बाद हम सीट पे गए, वापस आए तो पता लगा कि कैसे भागा, क्या बता रहे हैं कहाँ से भागा? इसकी सही जानकारी तो हम नहीं बता सकते हैं लेकिन पुलिस की उदासीनता रही। बता रहा कोई टॉयलेट में गया था निकलाने? इसकी सही जानकारी। प्रतिबंधित असलहे के साथ फोटो वायरल हो रही है। बता दें आपको कि AK-47 के साथ फुरकान अली ने फोटो लगाई जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। पुलिस और इसके साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा ही जुट गई है इसकी जांच में और शहर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरापुर का फुरकान रहने वाला ये बताया जा रहा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये फोटो वायरल हो रही है। बताते चले कि बताया जा रहा है फुरकान के ही हाथ में बंदूक है, AK-47 बताई जा रही है, जिसके बाद ये फोटो पोस्ट होते ही वायरल होने लगी। फरुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र में बाइकों की भिड़ंत में सगे भाइयों की मौत हो गई है और इसके साथ ही दूसरा भाई जो बाइक पर सवार था गंभीर रूप से घायल भी हो गया है, उसे CHC ने लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया है। सगे भाइयों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया और थाना क्षेत्र के ग्राम शेखपुर निवासी 22 वर्षीय निखिल, अपने छोटे भाई 18 वर्षीय नितेश, पुत्र नरेंद्र कुशवाहा बाजार करने ही कमालगंज जा रहे थे और इसी दौरान मंडी समिति के निकट सामने से आ रहे नितिन पाल पुत्र अखिलेश पाल निवासी दरोरा के बाइक से ही आमने सामने की भिड़ंत हो गई और नितिन अपनी चचेरी बहन प्रिया को हाई स्कूल परीक्षा के लिए सोनी पारिया स्कूल से ही छोड़कर वापस आ रहे थे। आमने सामने से हुई भिड़ंतों में ही बाइकों की भिड़ंतों में निखिल और नितेश सड़क पर ही गिर गए थे। कमालगंज में डंफर से दो युवकों की मौत, क्या पूरा मामला, कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए कमालगंज थाना क्षेत्र में दो युवक जो कि मोटरसाइकिल से आ रहे थे, ये सगे भाई थे, उधर से डंफर आ रही थी जिसमें आपस में टक्कर हुआ और दोनों डंफर के नीचे आ गए, दोनों की मृत्यु हो गई है। बॉडी को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है, उसमें तत्काल फायर पंजीकृत किया गया और डंफर को वहीं से बरामद किया गया और जो ड्राइवर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर साहब, क्या मामला है अभी CHC में सामने? ये अभी यहाँ पर तीन लोगों को लाया गया है जिसमें एक है नितिन, पिताजी का नाम अखिलेश है और इसको चोट लगी है तो इसको रिफ़र कर दिया गया है और ये दो बच्चे हैं, एक निखिल और नितेश, ये शेखपुर के रहने वाले, ये मृत अवस्था में यहाँ लाए गए। किसके द्वारा लाए गए थे ये लोग? तो अपनी मतलब टिवरी के द्वारा पुलिस वालों ने लदवा के भेजा है और बाकी वे एक एम्बुलेंस से
डॉक्टर साहब, जो घायल है क्या क्या कर दिया? घायल वाले ने काफी चोट लगी, उसको रिफर कर दिया गया है लोहिया। यूपी के पीलीभीत जनपद में पर्यावरण संरक्षण हेतु शहर में गो पॉलिथीन नो पॉलिथीन अभियान चलाया गया है, जहां इस अभियान के तहत शहर भर की कई दुकानों से पॉलिथीन जब्त भी किए गए हैं। और इस अभियान के दौरान बहुचर्चित समाज सेविका डॉक्टर आस्था अग्रवाल और सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर राजेश कुमार मौजूद रहे। बताते चले कि इस पॉलिथीन अभियान के दौरान बहुचर्चित समाज सेविका डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने पॉलिथीन को उपयोग करने पर होने वाले नुकसान और इससे होने वाली बीमारियों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया है, और साथ ही सभी दुकानदारों से आग्रह किया है कि इस पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें, इनकी जगह पर कपड़े के बैग और थैले का इस्तेमाल करें। इस तरीके से पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्या कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया आज? जी, पर्यावरण संरक्षण को लेकर आज गो पॉलिथीन और नो पॉलिथीन का अभियान शुरू किया गया। इसमें हमने मार्केट में जाके लोगों को ये बताया कि पॉलिथीन में सामान देना वो बंद करें, स्पेशली जो दुकानदार हैं, और थैलों का प्रयोग शुरू करें। और इस मुहिम में मुझे ऐसा लगता है कि हमें लोगों की सोच में ये परिवर्तन लाना है कि अगर वो पॉलिथीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके खुद का परिवार का इसमें बहुत नुकसान है। जैसे कई दुकानों पर पॉलिथीन में चाय दी जाती है, तो सबको पता है कि गर्म चीज़ें तो पॉलिथीन में वैसे भी नहीं रखनी है। गर्म चीज़ें तो, और अगर आप उनका उपयोग कर रहे हैं पॉलिथीन में यूज़ करके, तो वो कहीं ना कहीं एक जहर का काम आपकी बॉडी के लिए करते हैं। तो लोगों को इसके लिए जागरूक किया गया, उन्हें थैले भी दिए हम लोगों ने, ताकि वो थैले यूज़ करना स्टार्ट करें और पॉलिथीन को पूरी तरह से बंद कर दें। तो इससे पर्यावरण संरक्षण भी होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। सबको पता है कि ऑर्गेनिक चीज़ें वापस लौट के आ रही हैं और ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करना है। चले रुक करते अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद में सोमवार को ताऊ दयाल महिला महाविद्यालय को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय शिविर के 6 दिन का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर के साथ किया गया है। बता दें कि शिविर के प्रथम चरण में ही स्वयं सेविकाओं ने ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई और तत्पश्चात यातायात जन जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसे पूर्व माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती संतोष कुमारी और प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती मंजू सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। हमारा 7 दिन का शिविर है महिला राष्ट्रीय सेवा योजना का, और इसमें आज बच्चे जन जागरूकता के लिए निकले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा हमारे भ्रमित है, वो हेलमेट ही नहीं लगाते हैं, ना तो उन्हें घुटनी परवाह है, ना वो अपनी फैमिली की परवाह करते हैं। तो हमारे बच्चे ये अभियान चलाए हैं। किस कॉलेज के स्टूडेंट है? ये ताऊ दयाल महिला डिग्री कॉलेज। कहाँ तक आपका ये अभियान चलेगा? ये हम अभी यहाँ रोड से लेकर के निकले और आगे अगर बगल जो बस्तियाँ हैं उसमें भी बच्चे जाएंगे जागरूक करने। कितने स्टूडेंट शामिल हुए? ये हमारे बिजली कनेक्शन काटने गई बिजली कर्मचारी के साथ उपभोक्ता के परिजनों के द्वारा मारपीट की गई है, और सूचना पर पहुंची पुलिस ने बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं बिजली कर्मचारियों ने मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। थाना जहानाबाद इलाके के मोहल्ला नई बस्ती का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। बता दें, उपभोक्ता के परिजनों के द्वारा बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई है। जो सब जानना चाहेंगे कि बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है, क्या है पूरा मामला और उसमें क्या कार्रवाई करा रहे हैं आप? इसमें ये जहानाबाद क्षेत्र में मोहल्ला नई बस्ती पसियापुर में हमारा स्टाफ और जितने भी संविदा कर्मी और लाइन स्टाफ और सरकारी स्टाफ जो था, वो डिस्कनेक्शन और राजस्व वसूली हेतु कैंप कर रहा था बाकायदा, और अपना बिल चेक कर रहा था। तो कुछ मामला संज्ञान में आया है, कुछ लोगों ने उनके साथ में मारपीट करी, लाठी डंडों से मारा भी है, और हम अभी भी पर थाना जहानाबाद में बैठे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई और FIR भी संभाल रहे हैं। तो ये कनेक्शन काटने के लिए एक टीम चला पा रहे थे आप क्षेत्र में? नहीं, कनेक्शन काटने के लिए ये अभियान चल रहा है बाकायदा, और ऊपर से शासन के निर्देशानुसार जिन बकायेदारों के कनेक्शन बकायेदारा जो भी बकायेदार हैं उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के ही
मनाठेर थाना इलाके में मास्टर फार्म हाउस पर देर रात उस समय बड़ी घटना घट गई जब चोरी का विरोध करने पर दो अज्ञात चोरों के द्वारा फार्म हाउस पर मौजूद तारिक को ही गोली मार दी गई और गोली लगने से तारिक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में ही घायल हुए तारिक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और युवक को गोली मारने की सूचना भी पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। एसपी देहात ने घायल तारिक के घटना को लेकर जानकारी दी है और घटना स्थल का निरीक्षण भी एसपी देहात के द्वारा किया गया है। क्या नाम है आपको? मोहम्मद रऊफ जी, क्या घटना घटी आज? आज सर चोर आए थे चोरी करने के लिए, इन्होंने पकड़ा जाके तो उन्होंने हाथ पाई, होने के बाद उन्होंने गोली मार दी। किस जगह घटना आई पूरी? तकपुरल्ला और स्नान। अच्छा, कहाँ के मतलब किस जगह पे थे? अपने उस पे टिक गया मैं होल पे। अच्छा, कौन से गांव की घटना? नानकार। अच्छा, पुलिस पहुंच गई थी मौके पे? जी हाँ, बाद में आई थी थोड़ी देर बाद। अभी करीब 12:45 के करीब रात्रि, तो आज रात्रि 12:45 मेरे ठहर में एक मैरिज गार्डन है, वहाँ पे वहाँ से सूचना मिली पुलिस थाने को कि भाई यहाँ पे किसी लड़के को गोली लगी है। तो वहाँ पे जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने पाया कि तारिक नाम का व्यक्ति है जो वहाँ पे कार्य करता है मैरिज गार्डन पे, तो उसको वहाँ गोली लगी गर्दन के पास से, जो गोली उसको टच करते हुए निकली है। अभी उसको तुरंत वहाँ से मौके से हॉस्पिटल लाया गया है और अभी वो बातचीत कर रहा है खतरे से। अच्छा, क्या वजह बता रहे हैं परिजन? मुझे तो अभी साफ क्लियर नहीं हो पाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।